तो हम आपकी बुक का ही एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.13, ठीक है। ये बुक में आपके दिया हुआ है, मैं यहीं से ही पढ़ रही हूँ, आप भी अपने पास बुक रख लीजिए तो ईजी होगा आपको भी। What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to energy level with n equals to 2? ठीक है, What is the wavelength of light emitted? Wavelength निकालना है, light emit हो रही है उसकी, when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from n equals to 4 to n equals to 2, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स हैं, वन सेकेंड, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? फोर्थ एनर्जी से सेकेंड एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी शेल में जा रहा है, तो ये क्या करेगा? कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा। ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 1/λ = 109677/(1/(n1)²-1/(n2)²। अब यहाँ पर n2 क्या होता है? इट इज़ अ हायर एनर्जी स्टेट और n1 इज़ अ लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। n1 जो है लोअर एनर्जी स्टेट है, मतलब n1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, n2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। समझ में आया ना? क्योंकि हमको पूछा ही है क्वेश्चन में कि n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमेशा n इक्वल्स टू 2 को हम हायर एनर्जी लेवल लेंगे, n इक्वल्स टू 1 को लोअर एनर्जी लेवल लेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल कुछ नहीं है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/λ = 109677/(2)²-4)²। इसको आप कैलकुलेट करोगे, पूरा कैलकुलेशन ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो इंटू 3/16 आ गया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये आंसर आता है 205 64.4 cm². ये हमारा किसका आंसर आ रहा है? 1/λ का, ठीक है। दिस इज दी आंसर फॉर 1/λ। हमको क्या चाहिए? वेव लेंथ, मतलब लेमडा चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 205 644.4, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल का आंसर निकालोगे तो ये आता है 486 × 10⁻¹⁷ cm, ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट 486। इसको क्या लिख सकते हैं? 486 नैनोमीटर। 10⁻⁹ को हम क्या लिखते हैं? नैनोमीटर। तो हमारा आंसर आ गया λ = 486 नैनोमीटर। इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ क्या हो रही है? यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? दिस इज दी वेवलेंथ। अब 486 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है वो किसकी होती है? ब्लू लाइट की। जो ब्लू लाइट है ना उसकी वेवलेंथ ये होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा ना 4 से सेकेंड में, तो कौन से कलर की लाइट निकलेगी? ब्लू कलर की लाइट निकली। कैसे पता? यहाँ लैम्डा से पता चला, जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है इट इज़ 486 नैनोमीटर विच करिस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट। तो यहाँ से क्या निकलेगी? ब्लू लाइट निकलेगी, ठीक है। तो समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है 4 से सेकेंड में, तो हमको क्या बताना था कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? तो हमने सिंपल कुछ नहीं, वैल्यू पुट किया फॉर्मूला में और हमारा लैम्डा का आंसर आ गया। इसको थोड़ा एडजस्टमेंट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया। वहाँ से हमको पता चला कि ये किसकी वेवलेंथ है? ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो कौन सी लाइट निकलेगी? ब्लू लाइट निकलेगी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2.55। तो अपनी बुक अपने पास रखेंगे। इमिशन ट्रांजिशन इज इन द पैशन सीरीज एंड एट ऑर्बिट एन इक्वल्स टू 3। तो पैशन सीरीज मैंने बताया है, पैशन सीरीज में क्या होता है? सपोज ये 1 है,
ये टू है, थ्री, फोर, ठीक है। तो पैशन सीरीज में क्या होता है, पैशन सीरीज एंड कहाँ होता है, एन इक्वल्स टू थ्री पे, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा, एन इक्वल्स टू थ्री पे, फाइव से थ्री पे, फोर से थ्री पे, उसको हम बोलते थे पैशन सीरीज। याद आया, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज एंड पैशन सीरीज। पैशन सीरीज कहाँ एंड होता था, एन इक्वल्स टू थ्री पे। तो ये यही बोल रहा है, इमिशन ट्रांजिशन इन द पैशन सीरीज एंड एट ऑर्बिट एन इक्वल्स टू थ्री एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट एन, और कहीं किसी ऑर्बिट एन से स्टार्ट हो रहा है, हमको पता नहीं कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से हो रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से हो रहा है, हमको पता नहीं, पर एंड कहाँ पर हो रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक एन ऑर्बिट है, एन मतलब हमको पता नहीं है कौन से ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रहा है, कोई एन ऑर्बिट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है थ्री ऑर्बिट पे, ठीक है, इतना समझ में आया। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। एक बार फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन, 2.55 न्यू दिया हुआ है, न्यू की वैल्यू क्या है, 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर, फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी 1285 नैनोमीटर क्या दिया हुआ है, आपका लैम्डा गिवन है, 1285। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, हमको तो पता है पैशन सीरीज मतलब थ्री तक ही हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई फिर से सुन लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इमिशन हो रहा है, ठीक है, इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है पैशन सीरीज में। पैशन सीरीज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट से किसी एनर्जी स्टेट से कहाँ पर जा रही है, थर्ड एनर्जी स्टेट पर जा रही है, हमको पता नहीं कौन से एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है, हमको पता नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, दिस इज दी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यहाँ से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, और ये जो लैम्डा, ये जो इसकी न्यू और जो रेडिएशन है जो इमिट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है और उसका वेवलेंथ इतना है, गिवन है आपको, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमको लैम्डा दिया हुआ है, अब हम एन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आपको पता है न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, न्यू क्या है, न्यू इज गिवन 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये हमको गिवन है न्यू। सी क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा है नैनोमीटर में, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन से हमको n फाइंड करना है, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके ये डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ के डिवीजन हो गया। तो क्या क्या चीज़ें बची, 3.1285 इंटू 3.29, ये सारे जो पावर है ना उसको एक साथ कर लो, ये माइनस 9 है, ये प्लस 15 है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। अब आप इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, यहाँ क्या हो गया, 1/3 मतलब 1/9 माइनस एन स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3.1285 इंटू 3.29 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम किसको, हम क्या फाइंड करेंगे, एन स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक। तो मैं इसको इधर कर रही हूँ, इसको इधर कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस ये पूरा टर्म
डिवाइड बाई 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म इधर आ गया यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया और ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से आता है को सॉल्व करने से आता है 0.04 वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, n की वैल्यू फाइंड करना है तो मैंने इसको क्रॉस में कर दिया, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/04, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1/04। ठीक है, यहाँ से n स्क्वायर था, इसको मैंने अंडर रूट पे ले लिया, अब इसको फाइंड करो, एन इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। मतलब ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एन इक्वल्स टू 5 स्टेट से एन इक्वल्स टू 3 स्टेट में हो रहा है ना, पैशन सीरीज है तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1, तो कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, 5 से 3 पे ट्रांजिशन हो रहा है, तभी हमको इतनी वेवलेंथ मिली और ये फ्रिक्वेंसी मिली है। ठीक है, क्लियर हुआ, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़े टफ टाइप के हैं ऐसे न्यूमेरिकल, जनरली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, बट अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या हो रहा है 2.55 में, उसने 2.55 में पूछ रहा है कि एक इमिशन हो रहा है, इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है पैशन सीरीज में, पैशन सीरीज में मतलब जो एंड ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, 3 होगा, और किसी n ऑर्बिट से 3 ऑर्बिट में हो रहा है, हमको पता नहीं कौन से ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रहा है, किसी n ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है और हमको इसी n को फाइंड करना है। और क्या बोलते हैं, जब इमिशन होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, न्यूज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, वैल्यू पुट की और फाइनली n की वैल्यू निकाली 5। इसका मतलब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पर ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल 2.11, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.11, हमेशा एग्जाम्पल में इजी क्वेश्चन ही होते हैं, टफ क्वेश्चन तो बैक में ही होते हैं। एग्जाम्पल 2.11, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, और इस रेडियस, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो कोई भी अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उसका एनर्जी क्या होगा, ये हमने फॉर्मूले में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था पिछले लेक्चर में, ये होता है -2.18 इंटू 10⁻¹⁸ डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बोअर्स ने दिया था कि अगर कोई भी स्पीशीज जो हाइड्रोजन जैसा है तो उसके स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हीलियम प्लस आयन की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, मतलब एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, कितना है एटॉमिक नंबर, 2, तो वैल्यू पुट करो, E1 इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻¹⁸1 इंटू 2 स्क्वायर, ये Z है ना, ये Z है, ये 2 है। ठीक है, सो E1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -8.72 इंटू 10⁻¹⁸ जूल। तो ये होगी हीलियम प्लस आयन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, फिर हमको पूछता है रेडियस, वो जो हीलियम आयन है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए भी बोर्स ने फॉर्मूला दिया था, रेडियस निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला था, Rn इज इक्वल्स टू 0.0529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.02645 न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ ना, ये इन फॉर्मूला
बोर्स ने ऑलरेडी गिवन दे चुके हैं कि अगर कोई भी स्पीशीज़ जो हाइड्रोजन के जैसा मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके जो एनर्जी स्टेट है, जो स्टेशनरी स्टेट है, उसकी एनर्जी इतनी होगी और उसका जो रेडियस होगा वो इतना होगा, ये उन्होंने गिवन दिया है वो है। तो हमको यहाँ पर निकालना था हीलियम आयन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और रेडियस ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमने रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट निकालने के लिए n इक्वल्स टू 1 रखा, z जो है इट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, तो वो पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़े इजी होंगे। ठीक है, और पर अभी जैसे आप लोगों का क्योंकि लॉकडाउन है और जो टेस्ट होंगे आप लोगों के, आपके पास घर में कैलकुलेटर रहेगा, मोबाइल रहेगा, उसमें से आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, है ना, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो ही जाएगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में जब होता है तब तो आपको अलाउड नहीं होता कैलकुलेटर पर। अभी तो मुझे पता है आप कितना भी बोलें आप चीटिंग नहीं करेंगे, पर करेंगे तो अभी के एग्ज़ाम में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें बहुत कैलकुलेशन था, है ना। तो अभी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें मैं ऐसे डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन वाले सवाल दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या करने वाले, उसमें थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके दे देंगे। ठीक है, बट जो मेन एग्ज़ाम होगा अगर थ्योरी पेन पेपर होगा तो उसमें इतने डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली नहीं आते हैं, उसमें थोड़े ईजी जहाँ कैलकुलेशन कम हो वैसे ही आते हैं। ठीक, तो ये तीन न्यूमेरिकल्स थे, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मैं कुछ और भी एक्सरसाइज दे देती हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अगला जो था वो पॉइंट था लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल था। अगर कोई ऐसा स्पीशीज़ है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीशीज़ या ऐसे एटम जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए फिर बोहर्स का मॉडल फेल हो गया। ठीक है, तो पहला तो लिमिटेशन बोर्स का मॉडल का यही है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, और किसी के लिए वो एप्लीकेबल है ही नहीं। और दूसरा, ये जो बोहर्स का मॉडल है ये बताता नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से उनके बीच केमिकल बॉन्डिंग बनती है, जब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से नया कंपाउंड फॉर्म होता है, इन सब के बारे में बोहर्स ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, दूसरा उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो था कि जो स्पेक्ट्रम उन्होंने बताया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एनालिसिस किया, वो किसी और दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रम को एनालिसिस कर ही नहीं पाए। ठीक है, ऐसे एटम्स जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रम को वो एनालाइज ही नहीं कर पाए कि किस तरीके से वहाँ पर हो रहा है। दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन्स पढ़ी थी, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन्स इस तरीके से आई थी। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब इनके इफेक्ट में आते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, स्प्लिट समझते हैं ना, बट जाना, स्प्लिट हो जाना। तो जब ये स्पेक्ट्रल लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये क्यों स्प्लिट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, इसके बारे में बोहर्स ने कुछ नहीं बताया, इसलिए ये बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। वैसे तो बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं, बट आपकी बुक में जो दो मेन ड्रॉबैक हैं वही हम बता रहे हैं कि पहला, उन्होंने ये जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ और हाइड्रोजन एटम के लिए ये एप्लीकेबल था, अगर बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था वो, उसने उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी नहीं की और बताया नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा है, उन्होंने केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में ही कुछ नहीं बताया। और जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आके, उसके इफेक्ट में आके स्प्लिट हो जाती हैं, और ये क्यों स्प्लिट हो रहा है इसके बारे में बोहर से नहीं बता पाए, इसलिए एक दूसरे टाइप के मॉडल का जो है डिस्कवर हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत क्यूरियोसिटी होगी आपको, एक अलग ही दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम दो और फिनोमेना पढ़ेंगे, दो और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने जो फिनोमेना दिए, अपने प्रिंसिपल दिए,
जो हेल्प किया क्वांटम मैकेनिक्स को बनाने में, ठीक है, वो दो इम्पॉर्टेंट है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है, और दूसरा है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले ये दो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो अभी तक बोहर्स एटॉमिक मॉडल और ये जो न्यूमेरिकल किए हैं, इसमें कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।